तो स्कैवेंजर्स को, मैनुअल स्कैवेंजर्स को एक ह्यूमन डिग्निटी दी। तो मैं, मुझे बहुत खुशी है कि ये 50 वर्ष सुलभ इंटरनेशनल के पूरे हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा, जितनी बड़ी क्रांति ये लाए हैं देश में कोई नहीं ला पाया है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इस अवसर पर मैं सुलभ इंटरनेशनल को और सुलभ के पूरे परिवार को, आप सब लोग परिवार के भाग हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सुलभ इंटरनेशनल अगले 100 वर्षों तक इसी तरह काम करता रहे, नई नई टेक्नोलॉजी लाता रहे और देश की प्रगति करता रहे। और हम सब डॉक्टर पाठक के लिए प्रार्थना करते रहे कि वो हम सब की लीडरशिप लेकर देश को आगे लेते चले। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुशी है मुझे और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर। सुलभ परिवार के सभी सदस्यों और गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम सुलभ के 50 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन असली विषय यह है कि 50 वर्षों से पहले की यात्रा असली यात्रा थी बिंदुश्री पाठक जी की, जिसने उनके मन में वो बीजारोपण किया कि मेरा आंदोलन सिर्फ बिंदुश्री पाठक का आंदोलन नहीं होगा, उसको जन आंदोलन की शक्ल देना है। तो बिंदुश्री पाठक के जी का देश के प्रति जो योगदान रहा है वो सिर्फ 50 वर्षों का नहीं है, उसको आज लगभग 75 वर्ष होने आए हैं जिन्होंने देश को सक्रिय योगदान से कुछ न कुछ देश को दिया है। सुलभ सिर्फ एक संस्थान नहीं है, उसके नायक श्री बिंदुश्री पाठक जी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी शोधशाला है, संस्थान है, शोध का विषय है। सबसे गौरव की बात यह है कि पहले देश में अच्छी नौकरी आईएएस आने के लिए आईएएस और आईएफएस आईपीएस बनने के लिए लोग इम्तहान देते हैं, लेकिन ये सारा देश जानता है कि नौकरी की सेवा समाप्ति के पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत सारे अफसर देश के पाठक जी के पास आते हैं कि अब हमको आपका सानिध्य चाहिए और आपके साथ सेवा करने का हमको मौका चाहिए। इस देश के बहुत तरीके की, इस तरीके की कुरीतियां सरकार नहीं खत्म कर पाई, लेकिन पाठक जी ने दुनिया में नजीर पेश की है। बहन उषा को पद्मश्री दिलाने का ऐसा कोई धरती पर कोई उदाहरण आज की तारीख मौजूद है। इस पुनीत और पुण्य काम के लिए देशवासियों के अंतर मन से इस पुण्य काम के लिए पाठक जी को शत शत नमन है। हम लोग पाठक जी से सीखते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, इन्होंने, सरकार सीखती है, सरकार आग्रह करती है कैसे एनजीओ को चलाया जाए, कैसे सामाजिक संस्थानों को बढ़ाया जाए। पाठक जी ने इसके लिए एक लंबा कार्य किया है। तो मैंने कहा कि देखिए, इसमें जो मोटिवेशन है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस फॉलोअप, ये सारी बातें मिली हुई है, इसीलिए चल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो समाज कैसे स्वीकार करेगा। उषा जी मैदान हो रही थी 2003 तक, अब इनको समाज स्वीकार कैसे करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। जो सारी बातें कही गई है तो बहुत कुछ कहने का बाकी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी काम कैसे संभव है और समाज कैसे स्वीकार करेगा उसको। तो आप देखिए कि जो काम किया हम लोगों ने, जो महिला ढोने की प्रथा और खुले रूप में शौच की प्रथा, ये हजारों हजारों वर्ष चले हैं, आज की प्रथा नहीं है। और लोगों ने प्रयास किया इसके लिए, इसे समाप्त किया जाए।
लेकिन जो प्रयास हम लोगों ने किया उसमें तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था, कि बिना उसके संभव था ही नहीं। जो काम डॉक्टर साहब ने किया है गांधी के लिए अत्यंत प्रीतिदायक काम है। जो कोई गांधी जी के पास आते हैं पहले उनको भेजते थे पाखाना सफाई करने के लिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग गांधी जी यूज्ड टू डू। सो इट इज दैट ग्रेट वर्क दैट ही हैड टेकन। लेकिन इसमें काम तो किए हैं, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन दिल से काम करना ये कुछ अनोखा बात है। वॉट एवर डॉक्टर बिंदेश्वर साहब ने किया है इट इज इन्वॉल्विंग पुटिंग हिज एंटायर हार्ट एंड सोल इन टू दिस। तो सैनिटेशन हैज बिकम पार्ट ऑफ हिज बींग। तो ये तो इमोशनल काम है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही कन्वर्टेड दैट इनटू ए मोस्ट साइंटिफिक वर्क। सिर्फ दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी उन्होंने ये काम किया है।